हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। सम ऑफ थ्री ऑड नंबर, मैंने इसका हाफ क्वेश्चन नहीं लिखा है, स्टार्टिंग में इसका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। इट मीन्स देखिए क्या कहते हैं, सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स मीन्स आपको फोर पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वन बाई वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 21, ठीक है। 21 को आपको किस तरह से होने चाहिए और कौन से नंबर होने चाहिए, वो तीनों नंबर ऑड और प्राइम नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं कोई भी तीन नंबर ले रही हूँ, ए बी सी वाला हमने ले लिया, ए बी और सी जो नंबर ले रहे हैं, ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए और इनका सम क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का। देखिए अब हमें ए बी और सी यानी कि तीन नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जिनको सम करें तो 21 आना चाहिए और वो नंबर कौन से होने चाहिए, ऑड प्राइम नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए करके देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑड प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है। ऑड नंबर हमने बताया था आपको, ऑड नंबर तो क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, होंगे। और टू फैक्टर्स कौन से होंगे, द नंबर दैट हैव टू फैक्टर्स ओनली, ठीक है। टू फैक्टर्स भी कौन, वन और इटसेल्फ नंबर, ठीक है। तो वो होते हैं प्राइम नंबर, और ऑड नंबर जो टू से क्या होते हैं, टू से डिवाइडेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये है ऑड और प्राइम नंबर। अब ऑड प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर ऑड में और प्राइम में दोनों ही होना चाहिए वो एक नंबर, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं 21 के पार्ट। पहला नंबर हम लेते हैं, माने हमने 2 हमारा एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, तो 3 से ही लेते हैं। पहला नंबर हमने 3 ले लिया, 3 एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। 3 के बाद 5 आता है, 5 ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 3 और 5 8 आता है। अब 8 में कितने ऐड करेगी, 21 आ जाए, या 21 में से 8 माइनस कर लो, एक ही बात है। इट मींस होता है 13। 13 कौन सा नंबर आया है, 13 भी एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। 13 भी क्या है, एक ऑड प्राइम नंबर है। इट मींस हमारे पास इसके जो टुकड़े आ रहे हैं ए बी सी, मतलब हमारी वैल्यू आ रही है वो 3, 5 और 13 की आ रही है, जो तीनों ही क्या है, ऑड और प्राइम नंबर है। इट मींस इन तीनों को जब सम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 21 आता है, ठीक है। तो ये है हमारे सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये आ गया, इट मींस इसके पेयर बन गया 3, 5 और 13, ठीक है। ये बनेगा 21 के पेयर। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पार्ट 1 किस, ठीक है। क्या है, 31 के बनाने हैं, ठीक है। 31 का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके पेयर बनाए थे 3, 5 और 13, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, 31 है ये, 31 के दूसरा को प्राइम नंबर ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको यही नंबर ही मिलेंगे, आप और नंबर भी ले सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ और प्राइम नंबर ही होने चाहिए वो नंबर, ठीक है। आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। अब करते हैं, मान लिया हमने 7 ले लिया सबसे पहले, 7 के बाद ऑड प्राइम नंबर क्या आता है, 11, है ना। 7 और 11 को ऐड किया तो आ गया 18, ठीक है। 18 में से इसको, इसमें से 18 माइनस कर दो, या 18 में कितना ऐड करेंगे, 31 है, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगला नंबर आएगा 13, या ऐसे कर लो 13 और 20 होते हैं, 20 में 11 ऐड करेंगे तो 31 होते हैं। इट मीन्स कि हमारे तीनों ही नंबर क्या आ रहे हैं, ये ऑड और प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स 7, 11 और 13, ठीक है। 7, 11 और 13 ये बनेगा हमारा इस नंबर के पेयर्स, ठीक है। 7, 11 और 13। पार्ट सी है 53 को भी, ठीक है। इसके हमारे पेयर बने थे 7, 11 और 13, समझा। नेक्स्ट करते हैं, 13, 7 करते हैं तो नहीं बनेगा, 7 और 20 बन रहा है, तो 17 कर दो, तो 17 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, तो 17 और 20 कितने होते हैं, 30 में कितना ऐड करें, 23। इट मींस कि नेक्स्ट नंबर 23 आ रहा है, ये भी 23 भी क्या हमारा एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। इट मींस तीनों पेयर हमारे बन गए, 13 प्लस 17 प्लस 23 अगर करते हैं तो इनका सम आ रहा है 53, ठीक है। ऐड करके देख लेना, तो इस तरह से ये बनेगा पेयर इसका 53 का, ऑड प्राइम नंबर। 53 के हमारे पेयर कौन से बने हैं, 13, 17 और 23, ठीक है। अब करते
61 पार्ट डी। पार्ट डी में देखिए, जैसे हमने इसे के किए हैं 13 और 17। 13 17 को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे ऐड करते हैं तो आता है 30। ठीक है, 30 आ रहा है, 30 में हम कितना ऐड करें या 30 इसमें से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बनना 31 ही। और 31 भी हमारा क्या है, एक ओड प्राइम नंबर है। इट मींस 13 17 और 31 का पेयर हमारे पास बन सकता है, जिसको अगर हम ऐड करते हैं तीनों को तो हमारे सम क्या आ रहा है, 61 आ रहा है। इट मींस इसका पेयर बन रहा है हमारे पास 13 17 और 31 का। ठीक है, ये हमारा ओड प्राइम नंबर है, समझ आया। अगर इसको और भी कर सकते हो, ऐड करके देख लेना, बस सोचते हैं कि ये क्या होना चाहिए, ओड प्राइम नंबर में ही होने चाहिए तीनों नंबर। ठीक है, और भी पेयर बन सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, आपको 5 पेयर बनाने हैं। ठीक है, 5 पेयर बनाने नंबर्स के, कौन से नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ठीक है, 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर होने चाहिए लेस देन 20, वो नंबर हो लेस देन 20, 20 से कम होने चाहिए। ठीक है, और जिसका सम जो आए, जिन नंबर को हम ले रहे हैं लेस देन 20, कोई भी नंबर ले रहे हैं प्राइम नंबर, उनको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो डिवाइड 5 से हो जाना चाहिए। ठीक है, इट मींस कि अगर हम 5 पेयर ले रहे हैं प्राइम नंबर के, लेस देन 20 होने चाहिए वो नंबर जो भी ले रहे हो, 20 से अबव नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, कि अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, जो हम नंबर ले रहे हैं वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। इट मींस 5 की टेबल आपको आनी चाहिए, 5 से डिविजन मतलब 5 की टेबल आनी चाहिए। मतलब 5 भी आ सकता है 5 10 15 20 25 30 35 16। ठीक है, आगे तक पहले यही कर लो। इट मींस कि पहला हम नंबर ले रहे हैं 5, ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 3 और 2 ले लें क्योंकि प्राइम नंबर है, 3 और 2 दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। इट मींस पहला पेयर तो बन जाएगा हमारा 3 और 2 का, क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 आ रहा है और 5 5 से डिवाइड भी हो रहा है। इट मींस हमारा ये पेयर सही है। फर्स्ट सेकंड पेयर हम लेते हैं, 10 आना चाहिए उसका पेयर, सम 10 आना चाहिए और प्राइम नंबर में होना चाहिए, तो क्यों ना 3 और 7 ले लें। ठीक है, 3 और 7 ले लिया जो प्राइम नंबर है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10 आ रहा है और 10 हमारे 10 की टेबल में 5 की टेबल में आ भी रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड हमारा आना चाहिए 15, जरूरी नहीं है इसी तरह से आप कंजुगेटिव करोगे, आप कहीं से उठा के रैंडमली उठा सकते हो, 5 की टेबल में आना चाहिए, मींस वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, कोई भी नंबर आप ले लो, बट शर्त ये है कि वो नंबर जो भी ले रहे हो 20 से लेस देन हो, बस ये ध्यान रखना है। हम ले रहे हैं 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 को ऐड करते हैं, 2 और 13 ले लिया। ठीक है, 2 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और इनका सम कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, 15 5 की टेबल में आता है। ठीक है, फोर्थ नेक्स्ट क्या ले, 20 बना के देख सकते हैं, 20 का क्या करेंगे, 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों का सम आ रहा है 20 और 20 हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिफ्थ पेयर क्या बना सकते हैं, क्या है, 25 है, 25 को क्या करेंगे, 23 2 और 23 ले सकते हैं, 2 और 23 25 आ रहा है दोनों का सम, तो हमें 5 ही पेयर बनाने। इसी तरह से आप 30 के बना सकते हो, 35 40 45 50 55 किसी के भी नंबर के पेयर बना सकते हो, बस ये दोनों जो नंबर ले रहे हो ना यहाँ पे, ये नंबर जो ले रहे हो ये ध्यान रखना ये क्या होना चाहिए, लेस देन 20 ही होने चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, और 5 से डिवाइड होना चाहिए, जो भी सम कर रहे हो इन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो तो ऐड करके देख लेना। ठीक है, ये पहला है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ये हमने पहले ही पढ़ा था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही, हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन सा, एक 1 और एक खुद नंबर, जो भी नंबर होगा वो नंबर, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ऐसा किस उन नंबर्स को क्या कहते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं और एक ओनली 2 फैक्टर, विच नंबर है ओनली 2 फैक्टर, यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर कहा गया है, तो वो नंबर कौन से होंगे, क्या कहते हैं उन नंबर्स को, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वो नंबर हो जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको रेड किया है। ठीक है, अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, क्या है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, अपोजिट दिस, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो उसे क्या कहते हैं,
जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, ध्यान रखना गाइस ये कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब करते हैं इसी का पार्ट थ्री। पार्ट थ्री को रीड कीजिए। पार्ट थ्री में कहते हैं वन, वन के बारे में आपको बताना है कि वन क्या है। वन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, क्या है ये? यहाँ पे सिर्फ आपको दो इसी में बताना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, दोनों ही है या नहीं है, या दोनों ही नहीं है, क्या है इसमें। तो जो वन होता है, वन के बारे में भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि वन है, वन निदर प्राइम, निदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर, नोर कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो वन होता है वन एक ना ही तो प्राइम नंबर होता है, ना ही एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है वन के बारे में ये बात। अब करते हैं इसी का पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में क्या है, डी दिया है इसमें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। वन जो है ना ही तो प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। और टू जो होता है, टू क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो इसमें ये पूछा गया है इसका डी पार्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कौन सा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू। ठीक है, नेक्स्ट है ई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कौन सा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट। वन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वन ना है तो प्राइम ना ही कंपोजिट है, टू हमारा एक प्राइम नंबर हो गया है, थ्री एक ओड नंबर है। अब आते हैं फोर्थ। ठीक है, ओड एक थ्री जो है ओड भी है और एक प्राइम नंबर भी है, और फोर जो है क्योंकि क्यों है ये फोर एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर हो रहे हैं, इट मींस कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है फोर। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट है एफ पार्ट है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। गाइस स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है, वन नहीं है, ठीक है, टू इवन नंबर है, यस टू ही हमारा एक सबसे छोटा इवन नंबर है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 इज कंप्लीटेड। सो गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, प्लीज कमेंट कीजिए। सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।